अच्छा, अगर मैं आपको एक बाटली दे दूं, आप कितने की लेंगे मुझसे वो? उसके रेट पर बात करेंगे। अच्छा, तो क्या आप मियां खलीफा के साथ हैं? साथ किसी के नहीं है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हेलो दोस्तों, कैसे आप? आपके अपने न्यूज चैनल शर्मा जी बकचोद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे स्टूडियो में आने वाले हैं राकेश डकैत, मतलब राकेश टिकैत जी। जोरदार स्वागत कीजिए राकेश टिकट जी का। राकेश भाई, हम इस स्टूडियो में आपसे ना कुछ सवाल पूछेंगे, तो आपको उसके जवाब देने होंगे। राकेश भाई, राम राम। हम राम। राकेश भाई, सबसे पहला सवाल, आप ट्रैक्टर चला के आए हो साइकिल चला के आए हो? चैनल वालों को कोई मतलब नहीं। अरे टिकट जी, आप हॉलैंड घूमने जाओ तो चैनल वाले थोड़ा पूछते हैं। ये बात सही गई है टिकट जी आपने। राकेश जी, क्या आप जनता के साथ हैं? हम साथ नहीं, ये किसी ने कहा? कहा किसी ने, बस थोड़ा बकचोदी दिमाग में आ गई तो मैंने सोचा पूछ लूं आपसे। क्यों पूछो? और पूछो तो बता दे, हम साथ नहीं है। अच्छा, तो क्या आप मियां खलीफा के साथ हैं? साथ किसी के नहीं है, हम अपनी बात कहेंगे जनता को। अच्छा, अगर मैं आपको एक बाटली दे दूं, आप कितने की लेंगे मुझसे वो? उसके रेट पर बात करेंगे। नहीं, रेट तो आपको पता होगा ना, जो दिल्ली में बाटली चल रही थी वहाँ पे। कहाँ कर यार, झूठ बोलने में तो ये गोल्ड मेडल जीत गए, देगा कौन ये तो नहीं पता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अच्छा राकेश भाई, एक बात पूछूं आपसे, झूठ बोलना कहाँ से सीखा आपने? झूठ बोलने की पहली बार ट्रेनिंग दी जाती है। कहाँ? ये नहीं पता, नागपुर में शायद इनका ऑफिस है कोई। ना करो, झूठ बोलो, अपना प्रचार करो। राकेश भाई, अपने पूरे जीवन में सबसे ज्यादा बेवकूफ कब बनाया आपने लोगों को? पिछले साल। तो क्या लग रहा है आपको कि आने वाले समय भी आप ऐसे ही लोगों का बेवकूफ बनाते रहेंगे? लेकिन अब क्या जनता समझ गई? तो मैं अभी तो वही कहना चाह रहा हूँ, अब जब जनता समझ गई, अब आप क्या करेंगे आगे? क्योंकि ऐसी बकचोदी बार बार तो नहीं चलेगी। फिर कुछ ना कुछ करेंगे। तो मतलब आप मानेंगे नहीं ना? वहाँ सबका काम ठीक चल रहा है, सबके रोजगार चल रहे अपने। तो मतलब आपके लिए एक रोजगार है, तो चलिए कोई बात नहीं। अच्छा राकेश जी, जो आपका घर का ट्रैक्टर है वो किसने बनाया है? सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने? क्या बोला तूने? अच्छा राकेश भाई, जब पिछले साल दिल्ली बैठे हुए थे तो कितना पैसा मिला था आपको वहाँ से? 6 करोड़ रुपया। खड़े 6 करोड़ रुपया? अरे 6 करोड़ तो राकेश भाई आपकी तो मौज आ गई होगी यार। है जानकारी ना? 85 लाख रूपये मुझे भी दे देना। अच्छा राकेश भाई, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, बस ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने 6.5 करोड़ रुपया रखा कहाँ हुआ है? आप और मैं सेटिंग कर लेंगे आपस में। आप मुझे बस थोड़ा सा पैसा दे देना उसमें से। मुझे बस ये बता दो, पैसा रखा कहाँ हुआ है? एक गड्ढा बना, फिर नीचे पाइलिंग हुई, वहाँ पे 2 फुट गहरा गड्ढा और था, और उसके चारों तरफ जाल लगाया गया पूरा, उसमें 6.5 करोड़ का है। अच्छा राकेश भाई, आपने पैसा छुपाने में पूरा दम लगा दिया है। अच्छा राकेश भाई, लोगों का ना सवाल है, वो लोग भाई पूछना चाह रहे हैं, आप किसी की बात क्यों नहीं सुनते? अपनी बात बताएंगे ना? नहीं, अपनी बात बताएंगे तो लोगों की भी तो बात सुननी चाहिए ना आपको। चलिए कोई बात नहीं, हमारे बड़े भाई हैं इसलिए हम आपकी बात बड़ी करते हैं। अच्छा राकेश भाई, सबसे ज्यादा आप मौज मस्ती करने के लिए आप कहाँ जाते हैं, कहाँ अपना पैसा उड़ाते हैं? आबाद में। हाँ, और नंबर 2 की ट्रैक्टर ट्रॉली आपके पास कितनी संख्या में है? 100 ट्रैक्टर ट्रॉली धान के भरे खड़े। टिकट जी, आप पे तो बहुत माल है लूट का। राम राम सत्य भी है। हाँ, ये बात सही कही आपने, क्योंकि सरकार बाबा की है। राकेश भाई, आपको क्या लगता है कि आपका जो समय है कैसा समय चलने वाला है और कैसा रहेगा आपके आने वाले समय में? आपको क्या लग रहा है कि आपका समय कैसा आने वाला है? आखिरी टाइम आ रहा है तो नाम ले लें तो क्या दिक्कत है? राम नाम सत्य है तो पश्चिम में जब आखिरी में आदमी जाता है तो राम नाम सत्य ही तो करता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो राकेश भाई, मतलब आपको भी लग रहा है कि आपका आखिरी समय आ गया है, मतलब राकेश भाई आप जा रहे हो? तो राकेश भाई, ये पक्की बात है आप जाओगे? आ जा रहे, क्यों जाएंगे? पर अभी तो आप कह रहे थे आप जाओगे, क्यों जाएंगे? राकेश जी, सरकार बाबा की है तो आप सोच समझ के बोलना आप क्या बोल रहे हो। आ जा रहे। अच्छा राकेश भाई, आपके चिल्ले चपाटों की बाटली मैं किसी और को दे दूं अगर आपको नहीं लेनी है तो? विरोध करेंगे उसका, पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। राकेश भाई, जब आप बाटली के लिए विरोध करने को तैयार है तो आप मान क्यों नहीं लेते कि आपके दिल्ली वाले कांड में सब चल रहा था? इस पे देश में बहस शुरू होगी अब। तो राकेश भाई, इसमें बहस की तो वैसे कोई बात है नहीं, लेकिन जैसी आपकी मर्जी, जैसी आपकी इच्छा, जो आपको सही लगे आप वो करो। अच्छा अच्छा राकेश भाई, मेरी जनता से आप एक बात तो कह दीजिए कि उनको किस चैनल को लाइक करना चाहिए? आप जिस चैनल में हो कौन से चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए? आप जिस चैनल में हो कौन से चैनल की सभी वीडियो को लोगों तक शेयर करना चाहिए? आप जिस चैनल में हो। तो राकेश जी, किसी बात के लिए बहुत जोरदार तालियां। तो राकेश जी, मेरा आपके लिए 1-2 सवाल और हैं, तो उसमें मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि राकेश जी, आप हमेशा किसका बेवकूफ बनाते रहेंगे? जनता का। राकेश जी, आप जनता में कुछ भी बोल देते हैं, आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगता? इसमें देश में बहस होगी। मतलब टिकट जी, इसमें देश में बहस का क्या मतलब दोबारा से? चलिए जो भी, आप तो निडर आदमी, आप कुछ भी बोल सकते हैं, आपका हुकुम लातों पर। तो टिकट जी, आपको क्या लगता है कि बाबा की सरकार है तो क्या होगा आपके साथ? पकड़ मांगेंगे। टिकट जी, आपको क्या लगता है कि आप पकड़े कैसे जाएंगे? हमारी जनता जानना चाहती है, क्या आप हमारी जनता को बताना चाहेंगे कि आप कैसे पकड़े जाएंगे?
घर में ले जाते हुए कोई सामान पकड़े जाएंगे। तो टिकैत जी, आपको सब कुछ पता होने के बाद भी आप बिल्कुल निडर होके बोल रहे हैं, तो टिकैत जी के लिए एक बार फिर से बहुत जोरदार तालियां। केस जी, मेरा आपसे एक और सवाल है कि आपके पास जो भी सामान है, जितने भी ट्रैक्टर ट्रॉली हैं, वो सब कैसी हैं? मतलब कहने का मतलब ये है कि वो आपके पास कहाँ से आई है, क्या आपने कैसे किया है सब कुछ, मतलब वो क्या है, कहाँ से आई है वो सब, और है कैसी? तो चोरी का सामान तो चलिए टिकैत जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमें बहुत अच्छा लगा, आपने हमारे साथ बहुत सारी मजाक की, हमने आपके साथ बहुत सारी मजाक करी, और आपने हमारी जनता के साथ भी बहुत मजाक की। तो टिकैत जी, आप ऐसे ही आते रहिए हमारे साथ, हमारी जनता को हंसाते रहिए, और शर्मा जी का बिग संडा यूट्यूब चैनल के शर्मा जी बकचोद शो को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए और शो का नाम रोशन करते रहिए। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, तो वीडियो आपको कैसे लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, हालत खराब हुई आज वीडियो बनाने में, गर्मी इतनी ज्यादा थी, बस वीडियो पता नहीं कैसे तैसे बनी है, पता नहीं आपको अच्छी लगी नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो फिर भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। और ऐसी और मजेदार वीडियो देखने के लिए मेरे रोस्टिंग चैनल पर आप नई नई वीडियो देख सकते हैं। तो मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और शेयर कर लेना।